अस्सलामुअलैकुम, क्या चल है? आप ठीक हैं? सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाज़िब हाशमी। मेरा नाम है शुएब शहबाज। सो गाइस, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, बहुत रिक्वेस्ट रहती है आप में से किसी ना किसी की कि आप लोग कैप्टन निक की वीडियोस देखा करें। अब वो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। इंस्टाग्राम और चले, ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। हमें लिंक भी आया है, कैप्टन निक की वीडियो है, मार्वल के नहीं है, ये इंडिया के हैं। ओके, और मैरिज इंटरव्यू, मैरिज का इंटरव्यू भी होता है जानी। सबसे पहले तो टाइटल को यार, वो लड़की वाले से लड़के वाले जो सवाल करते हैं। ओह यस, ओके ओके, आई थिंक वो सो ये है जी 80s वर्सेस नाउ। अब 80s का तो हमें का कंडा नहीं पता, 90s का भी नहीं हमें पता। 90s के एंड में जो है ना वो स्टार्ट हुए थे हम, तो अब देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। या सो जी, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो की, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। घर में हम 5 बहने और एक भाई रहता है, और मम्मी और बाबूजी भी साथ में। मेरे बारे में मतलब नहीं, मतलब इंस्टाग्राम में आई मीन एग्जैक्टली क्या जानना है आपको, मतलब डिटेल्ड में, मतलब क्या, मतलब सीवी रेज्यूमे टाइप्स, बायो डेटा आजकल का। मम्मी कौन है ये? और बिटिया खाने में क्या क्या बना लेती हो? जी खाने में सभी कुछ, पूरी, पराठा, मुगलाई, डोसा, वो सब कुछ बना, स्वीट डिश और हलवा, दाल की पूरी, सब बना। घर की रसोई मैं और बड़ी दीदी करते हैं। खाने में मैं तो कभी नहीं खाना बनाती, मम्मी बनाती है, एंड देन फिर रेशमा भी बनाती है। अदरवाइज मुझे बटर मैगी, चीज मैगी एंड शेजवान। ओ गॉड, आपको मेरे हाथ का शेजवान मैगी खाना चाहिए। व्हाट डू आई डू? माय फ्रेंड्स डाई फॉर इट, लिटरली दे डाई फॉर इट। मैं मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, सच में। और फिर ब्रेड एंड बटर, और फिर ब्रेड बटर जैम टोस्ट करके एंड नटेला ब्रेड, और तो ज्यादा कुछ नहीं आता। मतलब अब मम्मी बनाती है तो कब बनाने का टाइम? आप मुझसे पूछ रहे हैं? और बेटा अपनी हॉबीज बताइए, मतलब आपको क्या क्या करना पसंद है? समय मिलता है तो रविंद्रनाथ जी की कविताएं पढ़ते हैं, और इतनी सादगी नजर आ रही है, एम्ब्रॉयडरी भी कर लेते हैं, और स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, और एक मोर बनाया था हमने, वहीं पे दिल छोड़ा है, वहां टांग रहे थे। हॉबीज एज इन मतलब जो करना अच्छा लगता है, राइट? तो फेसबुक, आई लाइक बीइंग ऑन फेसबुक, और इंस्टाग्राम, आई लाइक इंस्टाग्राम मोर देन फेसबुक एक्चुअली, एंड यूट्यूब, अरे यूट्यूब बेस्ट है। इनफैक्ट हम सारे वेले वहीं होते हैं, और वहाँ पे एक चैनल है कैप्टन ने करके, वो तो महावेली है, तो आपको उसका चैनल, मुझे लगा आप प्रमोशन करने लगे। हाँ बस इतना ही हॉबीज है। Oh, yes. ओ बेटा आपको गाना आता है, थोड़ा गाना गा के दिखाइए। एक भजन अभी सुना था। क्या किया था? भजन यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। I'm just like any other bathroom singer, मतलब हमें भी बुला लिया महफिल में। आपको रीसेंट, मेरा रीसेंट फेवरेट सॉन्ग है, आई लव यू, शेप ऑफ यू, पुश एंड पुल लाइक अ मैग्नेट, पता है आपको गाना? अच्छा इंडियन रैप, हैव मर्सी ऑन मी, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये गाना आपको नहीं पता, दैट मींस यू आर नॉट अ ट्रू इंडियन। ओके, सो द सॉन्ग इज दारू 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 हाय, दारू 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 हाय, दारू 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 हाय, जो ना नाचे उसको मारू। और बेटा आपको लड़के के बारे में कुछ जानना है तो आप पूछ लीजिए।
मेरा पापा मतलब उसका फेसबुक आईडी बताइए, आई ऐड हिम, सारा कुछ तो वहीं से पता चल जाएगा। भाई हम तो इसी दौर में, एंड आल्सो घर में ना सारी मशीन्स होनी चाहिए, दैट टू ऑटोमेटिक। मैं कपड़ा वपड़ा नहीं धोऊंगी, आल्सो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यू नीड टू हैव अ कुक, मतलब जैसे हमारे घर में। एंड हनीमून के लिए ना आई हैव डिसाइडेड नहीं स्विट्जरलैंड, नहीं नहीं मेरा हो गया था फाइनल, मेरा लिस्ट फाइनल था, तो स्विट्जरलैंड जाना है हनीमून के लिए, एंड इट हैज टू बी 2 weeks ऑफ हनीमून, ठीक है, वरना फिर कोई देयर इज नो फन। एंड 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 ठीक है, आई विल मैसेज हिम डायरेक्टली ना, मतलब वी विल टॉक अबाउट इट। चलिए बहन जी, 11 रुपए का शगुन देके रिश्ता पक्का कीजिए। वाओ, शादी पक्की भी हो गई। हेलो, हाँ लिसन, दिस इज ऑफिशियल ब्रेकअप, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड एंड अभी। नहीं नहीं नहीं, आई एम ब्लॉकिंग यू। हाँ नहीं नहीं, ऑल्सो आई एम डिलीटिंग ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल द चैट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू ऑल्सो नीड टू डिलीट देम, ठीक है, चल बाय। हेलो पूजा, लिसन, ये वो मस्तानी वाला रेप्लिका कहाँ मिलेगा? प्री वेडिंग ऑगस्ट में करते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट नवम्बर में, एंड देन शादी इन द मंथ ऑफ फेब और जैन, एनीथिंग विल डू, आई डोंट केयर। हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं, विल आस्क देम टू डू एवरीथिंग फॉर अस। शादी से है टेक। व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू डिड एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज टर्न द ब्लैक टू ब्लू, लीव योर कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट, वी आर सो क्लोज टू हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स प्लीज। और ये वीडियो बनानी थी इनकी? हाँ, आई थिंक पुरानी वीडियो है ये, 1 साल पुरानी, अब तो उनके को 1 मिलियन से ऊपर है, उनको 1.5 मिलियन। बट डूड लिटरली दैट इज अमेजिंग, प्लस मुझे जो ज़्यादातर जो इनकी अच्छी चीज़ें लगी हैं ना, वो इनकी 80s वाली थी ज़्यादा। 80s वाली काफ़ी, मतलब कि वो सादा दौर था और ठीक था, अच्छा था। अभी तो देखो ना, मतलब उसमें आई थिंक ये नहीं नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वहाँ पर अगर आप 80s का दौर देखें तो आपको ज़्यादा पॉलिटिक, मतलब एक टैलेंट नज़र आ रहे हैं कि खाना बनाना आ रहा है या कुकिंग आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो सारा वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, हस्बैंड भी ऑटोमेटिक को अरेंज कर लें, मतलब ऐसा कुछ सीन हो जाए। लेकिन ऑनेस्टली इनकी एक्टिंग बहुत मज़े की थी, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने 80s का करेक्टर मतलब वो प्ले किया ना उसमें, तो बहुत नेक्स्ट लेवल लगी ऑनेस्टली, सो मज़ा आया यार। और एक चीज़ मज़े की ऑनेस्टली, वीडियो का जो टाइटल था वो बड़ा मज़े का था, मैरिज इंटरव्यू, ऑफ कोर्स बहुत कंफ्यूज, आई मीन लिटरली मैंने पहले तो मैरिज इंटरव्यू मतलब हमने कोई जॉब भी नहीं चाहिए या फिर ये क्या हो रहा है। आई थिंक वो बात तो वो ये ना कि होता तो इंटरव्यू ही है ना, मतलब सारे देख ले कि वो जब फैमिली आती है, लड़की करते हैं वो उसी तरह, फिर अगर आप उसमें पास होते हो तो देन आगे जाके वो बात बढ़ती है। लेकिन व्हाट अ नाइस ऑब्जर्वेशन यार, पूरी दुनिया को गाइस इनकी और वीडियोस भी आप लोग हमें सजेस्ट करें, लाजमी करें। हाँ, होता क्या आप लोग को जो है ना, वो फिर मैं वही चीज़ें बार बार बताता हूँ लेकिन आप लोग मानते नहीं, फिर भी मैं बताता रहूँगा कि आप लोग जो है ना सिर्फ नाम लिख के भेज देते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने लिंक भेजा था, मैं बेसिकली कुछ कमेंट्स जो है, हो सकता है तुम्हें लिंक भेजाऊँ, मुझे ना आया कुछ चीज़ होगी, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ क्लियर करने वाली हुई है कि आप लोग कैप्टन नहीं किया, फिर इस तरह करके कोई भी चीज़ जो है आप लोग अक्सर मैंने देखा है ब्लैक पिंक या BTS रिलेटेड जो वीडियोज आप लोग कह देते हो, आप लोग देख लो, जब हम देखते हैं आप कहते हो यार इसमें कॉपीराइट है ये है या फिर ये वो है ही नहीं जो हमने कही थी, सो उससे बेहतर ये है कि आप लोग जो है लिंक जो लाजमी शेयर कर दिया करें, उससे होता ये है कि जो आपकी डिजायरेबल वीडियो होती है उस पर रिएक्शन आ जाता है और आपके जो गिले हैं वो भी इस तरह से जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, आपकी पसंदीदा वीडियो पर मोस्टली। एंड आई थिंक इन पे पहले रिएक्शन दिया हम लोगों ने, कैप्टन निक पे शायद एक बार, वो कुछ साइलेंट वीडियो थी आपको। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खत्म।